बालों का सही होना उचित नहीं है चरित्र। तो गाइज मैं सो ही गया था तो अचानक से जो एकदम तूफान शुरू हो गया बहुत। गाइज बच्चे मिल गए यहाँ ये देखने मेरी वीडियो। इस पर भाई ने खोली है खाद बीज भंडार की जो है दुकान। ये सभी दोस्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों एक बार फिर स्वागत है नए ब्लॉग में। और इस पाखंडी का मुंह देखकर आज की दिन शुरुआत होती है। ये सुबह हो गए निर्वस्त्र और ये स्नान करने के लिए बैठे हैं। अब जाएंगे कोचिंग थोड़े टाइम में। फिलहाल क्या देते हैं, क्या मांग रहा है, साफ से तो बोल ले। बस इनका रोज का यही नाटक है, पैसे दे दे कोचिंग जब भी तो जाएंगे। अभी तो दिए ये कब दिए, अभी पीछे पीछे कब, पीछे एक महीना ना हो गया। तो ले जा पैसे ला। और खाना वाना बन के हो गया कंप्लीट, दाल निकल रही है पतीली से बाहर, उबाले मार रही है, मम्मी के लिए बन रही है। धो गए हैं बर्तन, जुगनी ने खाना वाना बना के बर्तन धो दिए हैं। ये जा रहा है मामा के घर, क्या करने जा रहा है, आलू लगाने जा रहा है। ठीक है, ये और पापा जा रहे हैं। मैं खाता हूँ खाना और मिलते हैं आगे। तो गाइस सुबह आ गए दुकान पे, इधर बालकन लगा रखी भीड़। ये भी आ गया नहा धो के, आज भी रात होगा नहीं, आ जा बैठ गया। इन दोनों में हो गई लड़ाई, गिरते नीचे भी सर। तो गाइस ये भर लिया है मैंने पूरा और जी की मिक्स करके खाता हूँ सारे को। तो गाइस घर नहीं लग रहा था मन, मैं आ गया हूँ गुरु जी की दुकान पे। विजेंद्र भाई भी आए हैं, इनको जो बुखार ने चूस लिया। बालों का सही होना उचित नहीं है, चरित्र का सही होना जरूरी है और इनका चरित्र भी एक नंबर है। आप तो हमारे साथ रहते ही हैं और ये आपके साथ रहते हैं। और फिलहाल मम्मी ने भेजा मेरे को खेत पे गिर गिरे रहे चक्कर लगाने के, कल जो खीरे खाने चल रहे। खीरा बहुत महंगा बिक रहा है लिया मोटरसाइकिल। और इधर देखिए पानी की टंकी भर चुकी है भाई स्कूल की, ये स्कूल वालों को पता नहीं ध्यान कहाँ है। तो गाइज मैं आ चुका हूँ खेत पर और अब जो थोड़ी बहुत देर यहाँ टाइम बिताएंगे एक से डेढ़ घंटे के आसपास, उसके बाद घर चले जाएंगे क्योंकि दो चार जो भी खीरे लग रहे हैं वो कल तोड़ के इसको सब ख़त्म कर देंगे। तो गाइज मैं सो ही गया था तो अचानक से जो एकदम तूफान शुरू हो गया बहुत तेज़, हवाएँ शुरू हो गई हैं और पत्ते पत्ते उड़ उड़ के जा रहे हैं और ये पेड़ भी बहुत तेज़ हिल रहे हैं। मैं फ़िलहाल टांड पर लेटा था, मेरी आँखें खुल गई यार, मैं पता नहीं क्या हो गया एकदम से अचानक से, और टांड भी जो इधर उधर को हिल रहा है और अचानक से ही आई है, पता नहीं है तूफान से हवाएं ठंडी ठंडी चल रही हैं, ऐसा लगा जैसे कहीं बरसात हो गई है। तो वैसे नींद अच्छी आएगी लेकिन डर लग रहा है कि ये टांड ना टूट जाए क्योंकि ये टांड जो ऑलरेडी टूटा हुआ है और दोबारा टूट गया तो मैं नीचे मिलूँगा। ये चेक करो तूफान की आवाज़ के साथ साथ और मेरे पास। तो गाइज फाइनली मैं आ गया हूँ घर, अब जो है बाकी बची मूवी यहाँ देखूंगा। अब ठंड ठंडी चल रही है, मेरा गार्डन फूल खिले आए हैं अब तो, इस पर भी फूल खिले आए हैं और इधर देखिए कितने मस्त फूल हो रहे हैं। और ये गुलाब में जमी आई है लौकी की बेल, ये भी काफ़ी बड़ी हो गई है, यहीं फैलेगी इन पे अर्ध गिर्दी। तो गाइज सोकर उठने के बाद मैं खाना लगाऊँ खाना और तूफान का ये असर हुआ है, देखिए धूल मिट्टी जो उड़ उड़ के जो है ना यहाँ लो आ गई लास्ट तक, सारे में जो बेकार हो रखा सब। तो गाइज मैंने खाना वाना खा लिया है, अब मैं जा रहा हूँ तेजपाल के यहाँ क्योंकि तेजपाल का मैसेज आ रखा, वो आज दुकान ओपन कर रहा शायद, इसलिए उसने मैसेज करा कि जल्दी से घर पे आ जा, बाकी कुछ नहीं बोला मेरे से। शायद कॉल कर रहा था तो मेरा नंबर बिजी जा रहा था उससे पहले। तो मैं जा रहा हूँ तेजपाल के यहाँ, अब देखता हूँ क्या समस्या है या क्या उत्सव है। क्या लेगा हूँ तेरे लिए, अच्छा नुकती पता नहीं क्या है, देखता है। तो गाइज बच्चे मिल गए हैं यहाँ ये देखने मेरी वीडियो, अभी मैंने बोला ना मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, कैसे बंद कर दिया दिखाओ यार। ये चेक करो, ये गांव के बच्चे हैं, मैंने स्टडी करा रखे हैं, बच्चों को पढ़ा रखा है। ये है हमारी गांव की चामुंडा माता और इसी से आगे दुकान रखी है किराए पे, उसने हो रहा है हवन अभी फ़िलहाल, हवन वन हो गया अब जो बढ़ रही है नुक्ति खाली यहाँ पंडित जी जो प्रारंभ कर रहे हैं। बैनर वनर लगाया ऊपर दुकान पर, पूरी परात भर रखी है भैया मेवा मिष्ठान की। गाइज अपने तेजपाल भाई ने खोली है खाद बीज भंडार की जो है दुकान, और जो भी मेरे ग्रामवासी हैं आसपास के लोग हैं यहाँ से खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, खाद के साथ साथ रखेंगे दवाइयाँ वगैरह भी और बीज वगैरह भी। क्यों तेजपाल भाई, तो हवन वन कम्प्लीट हो गया है, अब केवल प्रसाद बट रहा है। बाटो भी प्रसाद कैसे खड़े हो गए, इससे अंदर नगर आ रखी दुकान में यार, किराया का फ्री में लोग इसका भाई साहब, एक नंबर तूफान चल रहा था, इनके तो गिर गए पुले वोले, रोहित तो टूटी गया खैर।
अबे सबको दिखाओगे क्या? अच्छी लग रही है। चल इधर चल, जिधर को मैं जा रहा हूँ उधर को पिछले रख रहे हैं बच्चे। आओ भी आओ, चल रहे। चल भाई क्या कर रहा है? ये भी आ गया, मिल गया। चलो भाई, ये है शैतान। आगे कुछ नहीं बोलने वाले, बोल सकता था बहुत कुछ। ये घर लेके जा रहा हूँ एक पैकेट बाकी का। ये दो बच्चों के बीच पंजा कंपटीशन। ये हमारे गांव के बालक हैं, शैतान कुबड पढ़ने लिखने वाले हैं। नहीं आई रियली सॉरी। ये भैया हमारे गांव के ठाकुर साहब। ठाकुर ये क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो गाइस मैं आ गया हूँ घर, और मैं जो है मेरी बाइक मेरे घर नहीं है, वो पापा लेके गए, तो मैं कर रहा हूँ बाइक का वेट। पुष्पेंद्र लाला जो है बाइक ला रहा है, उसकी बाइक लेकर लेके जाऊंगा मम्मी को हॉस्पिटल दवाई दिला के फिर घर आऊंगा। तो गाइस मम्मी की दवाई दिलवा कर लाया हूँ मैं अभी हसनपुर से। नमकीन खा जा रहे हैं ऐसे में, फ्रूट खा ला कर देता हूँ, बिस्कुट। दाल भी तो रखी है, दाल क्यों ना खाई? पूरी पतीली खत्म कर दी। चलो अच्छी बात है, तो अब हसनपुर कोई जाएगा तो वो मंगा लेंगे कीवी के फल वगैरह। एक और लिया, मेडिकल की तैयारी हो रही है। ये लिया पांच पांच वाले दो चाय। कोकोनट की दे रहा है यार, कोकोनट क्या कौन खाएगा पता नहीं। पापा और अंकित आ गए मामा के घर से, ये पता नहीं क्या लाए दहेज में। फसलाना मिला इनको, बड़ी मजबूत रस्सी में बंधा हुआ है। तो गाइस कटने में दो चीज देख कैसी आ रही है, बट हमारा तो कहीं भी पूरे मकान में कच्चा नहीं है, फिर भी चूल्हा तो मिट्टी का ही है, तो उसके पोतने के लिए आई है पोता मिट्टी। ये देखो, ये आई है पोता मिट्टी चूल्हे को पोतने के लिए, और एक है इसमें ये काशी फल। देखा फोड़ेगा, बस अब बोल बोल।